तो अगर आपका बजट है 15 से लेकर 25,000 और आप चाहते हो वन प्लस जैसे एक प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी के एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन को यूज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। यालो यूट्यूब, राकी शुभंकर फ्रॉम दिस साइड, एंड ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। सो विद दैट बींग सेड, लेट्स हैव सम टेक बाइट्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन लोगों के बजट रहता है 15 से लेकर 25,000, और ज्यादातर कंपनी इंडिया में जो भी फोन लॉन्च करते हैं उनका ज्यादा डिवाइस या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा फोकस रहता है 15 से लेकर 25,000 बजट रेंज में। बट अगर बात करो वन प्लस के बारे में, तो आप सबको पता है वन प्लस वन आता है एकदम फ्लैगशिप फोन और उसका बजट बहुत ही हाई रहता है। वन प्लस वन जो आया था 2015 या फिर 2014 में, उसका प्राइस भी 20,000 से ज्यादा था। प्लस टू का प्राइस था 26,000, जो कि इनफैक्ट मेरे पास भी था, बहुत सालों तक हम यूज किए हैं। तो अगर देखा जाए तो वन प्लस का फोन बहुत ही प्राइस ज्यादा रहता है और उसी के साथ में बहुत ही फ्लैक्सिब होता है। इसका मतलब यही है फीचर्स वगैरह बहुत ही हाई रहता है। ऐसे में वन प्लस ने फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे सोचा है कि इंडिया का जो मेन बजट मार्केट है 15 से लेकर 25,000 के रेंज में, उनको हिट करने के लिए और उस रेंज में स्मार्टफोन बनाने के लिए। बट वन प्लस का यह है कि इसका जो फोन रहता है फ्लैक्सी फोन, उसी फ्लैक्सी फोन वो बनाएंगे, बट बजट रहेगा 15 से लेकर 25,000 के बीच में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इसी वीडियो में हम बताएंगे क्या क्या है फीचर्स उस फोन में। तो अगर बात करते हैं उस फोन के फीचर्स के बारे में, तो वो फोन में रहेगा 5G कनेक्टिविटी। जी हाँ, फ्लैक्सी फोन का फीचर ही रहेगा, उसमें रहेगा 5G कनेक्टिविटी और उसी के साथ में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल और उसी के साथ में मिलेगा आपको वन प्लस का वार्प 30 वाट का चार्जर या फिर 30 वाट का अडेप्टर आप बोल सकते हो, जो कि आपके फोन को बहुत ही जल्दी से चार्ज कर लेगा। और उसी के साथ में मिलेगा आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियोस डिस्प्ले पे देखने के लिए। और उसी के साथ में जो पता चल रहा है कि मिलेगा उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये भी अपने आप में एक कमाल का बात है। और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा 4300 mAh का बैटरी उस फोन के साथ में, जिसके साथ में कॉम्बिनेशन में आएगा 30 वाट का वार्प चार्जर। और आपको ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले में, उसमें मिलेगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर आप बोल सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और बेसिकली ये जो फोन को पावर प्रोवाइड करेगा, जो चिपसेट होगा वो होगा स्नैपड्रैगन 765G। और बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस रहेगा 15 से लेकर 25,000। फीचर्स तो आप सुन चुके हो और उस रेंज में इतने बजट के प्राइस में वन प्लस रियली बहुत ही अच्छा डिवाइस निकल रहा है। तो अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि क्या सच में वन प्लस ऐसा एक डिवाइस निकाल रहा है या फिर ये एक मजाक है, तो बताना चाहता हूँ ये तो अप्रैल का मंथ नहीं है कि वन प्लस आपको अप्रैल फोन बनाए। और अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वन प्लस के जो CEO है, फाउंडर है, वो इसी चीज के ऊपर बहुत सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पे उनका बायो में आपको मिल जाएगा #newbeginning। और अगर देखा जाए तो ये BIS से सर्टिफाइड है। BIS का मतलब यही है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये फोन को सर्टिफिकेशन मिल चुका है। BIS से, TUV से भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और इसी के साथ साथ कुछ कुछ चीजें शेयर हो रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो हम इसे बता सकते हैं कि ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन है कि वन प्लस कुछ तो खिचड़ी पका रहा है उनकी फैक्ट्री में, जो कि आपको पता चल जाएगा कुछ मंथ के बाद में। और ये फोन जब भी आएगा हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे, अनबॉक्सिंग के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, और हमेशा की तरह जो लॉन्ग टर्म रिव्यू के फोन के बारे में हम बनाते हैं वीडियो, इस फोन के भी लॉन्ग टर्म रिव्यू के वीडियो मिल जाएंगे आपको फ्यूचर में इसी चैनल पर। और अगर आप एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और एक छोटा सा चीज, इस फोन का जो नेमिंग है वो बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहले बोला जा रहा था कि इस फोन का नेम है वन प्लस 8 लाइट, जो कि चेंज होकर हो गया वन प्लस Z, या फिर हो सकता है वन प्लस नॉर्ड NORD, जो कि अभी स्पेशली अभी नया नया आया है ये टर्म। देखते हैं इस फोन का नेमिंग क्या होता है और क्या क्या फीचर्स रहता है। हमने जो जो फीचर्स बताए वो सारे के सारे फीचर्स है या फिर उससे ज्यादा है, ये पता चलेगा हमको फ्यूचर में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हो, हैंडल नीचे आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।